वन ऑफ माई फ्रेंड्स टॉट मी वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लेसन अबाउट लव एंड ट्रस्ट मी यू विल लव दिस। आज से कुछ समय पहले की बात है, हम सारे दोस्त एक साथ में बैठे हुए थे और बैठे बैठे बातें कर रहे थे, तो ऐसे ही बातों बातों में टॉपिक निकला, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट लव एंड रिलेशनशिप्स। तो कोई कह रहा मेरी एक गर्लफ्रेंड रही है, कोई कह रहा मेरी दो रही है, कोई कहता मेरी तीन रही है। तो पूरे ग्रुप ने मुड़ के एक बंदे की तरफ देखा, क्योंकि वो लड़का 7 साल से एक ही लड़की के साथ रिलेशनशिप में, 7 साल। तो किसी ने ऐसे उसको मजाक मस्ती में पूछ लिया कि यार 7 साल से तुम एक साथ में हो, अभी तुम्हारे रिलेशनशिप में कुछ बचा तो है नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई नयापन नहीं है, तुम्हारे लड़ाई झगड़े नहीं होते, तुम बोर नहीं होते, अभी साथ में क्यों। ही स्माइल्ड एंड व्हाट ही सेड नेक्स्ट आई विल रिमेम्बर फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। उसने बोला मैं यार बिल्कुल बोर होता हूं, लेकिन मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बोर हो सकता हूं, अपनी वाइफ से कैसे बोर हो जाऊं। देन ही सेड कि हमारा जो हनीमून फेज था ना, वो हमारे 7 साल पहले ही खत्म हो चुका है। जो नयापन था, जो एक्साइटमेंट थी, जो फ्रेशनेस थी, हमारी 7 साल पहले खत्म हो चुकी है। तो दूसरे ने पूछा तो अभी साथ में क्यों। वो कहता क्योंकि उससे भी बड़ा कुछ है हमारे पास, ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग, कंपेनियनशिप, फ्रेंडशिप, लव, जो आजकल किसी के पास नहीं होता। ही सेड कि लोगों के पास तो गर्लफ्रेंड होती है, मेरे पास तो अपनी वाइफ है, तो मैं क्यों किसी और को ढूंढूंगा। एवरीवन स्टार्टेड लाफिंग एंड देन ही टोल्ड देम कि यार तुम लोग हंस सकते हो, लेकिन मुझे एक बात बताओ, मुझे पता है मैं किसके साथ शादी करूंगा, मुझे अपना लाइफ पार्टनर मिल चुका है, मुझे मेरा प्यार मिल चुका है, तुम में से किसी को मिला। एंड एवरीवन वाज क्वाइट बिकॉज दे न्यू कि उसके पास कुछ ऐसा है जो ये लोग हमेशा से चाहते हैं लेकिन है नहीं। इफ यू हैव समवन जो आपके साथ एक फ्यूचर देखता है, जो आपसे प्यार करता है, जो आपसे शादी करना चाहता है, देन यू आर प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट लकीस्ट पीपल अलाइव। शेयर करो ये वीडियो उनके साथ, बिकॉज यू हैव फाउंड ट्रू लव।